अरे जनता खा रही है गोबर घास, बंद करो भैया मोदी जी मन की बात। जितने भी चैनल गोदी मीडिया मोदी मोदी करे हटा दो, मोदी जी करो आगे ऐसे रोडों पे बेशर्मो। कहा था 50 दिन का टाइम दो, गली चौराहा बताओ हम आएंगे, कब आओगे? आओ उन माओ के पास जाओ। अरे मोदी जी फोटो भी तो खिंचा रहे हैं ठेकेदार के साथ। ओ बेटा आओ 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 लूट लो, आओ आओ लूटो, मार डालो देश जनता को। बहल जाए भाग के जाएंगे जगह, एक जमाई एक नामी ट्यूब नहीं जाएगी। और आपके लिए चुनावी जुमला है लेकिन वो मरे। एक मिनट सुन लीजिए, ओ मोदी जी की चमची सुनिए आप, पहले हमारी बात। आप 1500 लोग मर चुके हैं वहाँ पे, आप मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, क्यों नहीं मोदी जी पहले चौप रहिए बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी जी की जो चिल्लाहट जो ललकार थी गुजरात को लेकर, आवाज उन आत्माओं से पूछिए जिनके घरों से आदमी जा रहे हैं। प्रतिदिन हमारे यहाँ पुल टूट जाता है, हत्याएं हो जाती है। सरकार 14 का पहले शेर देखा था, अब भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ है। आप बताइए 16 में जो शेर जागा था वो आज अपने कामों में चुप क्यों है? और कहाँ है वो अंधभक्त जो हिंदू हिसाबी बनते थे? हमें कहते हो ना मुसलमान, हमें कहते हो ना काफिर, आके देखो हम तो हर मुद्दे उठाते हैं, हर मुद्दों पे हमें दर्द है क्योंकि वह हमारे देश की जनता है और आपके लिए चुनावी जुमला है। लेकिन वो मरे। एक मिनट सुन लीजिए, ओ मोदी जी की चमची सुनिए आप, पहले हमारी बात। आप 1500 लोग मर चुके हैं वहाँ पे, आप मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, क्यों नहीं मोदी जी पहले चौप रहिए बिल्कुल नहीं। आप सम्मान दे रही हैं मोदी जी को हमारे यहाँ से? मैं कह रहा हूँ मेरे देश से अगर मेरे घर से कोई जाएगा तो आवाज कैसे आएगी, कैसे आवाज आएगी? 22-22 साल 23-23 साल के लोग मर रहे हैं डेंगू से प्रयागराज में। आज एक शर्म की नाक घटना आपको बताता हूँ कि भाजपा के लोग इतने डर गए हैं कि वो सरकार से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आज दो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा भाई साहब नाम न बताइएगा। और उन्होंने क्या मैसेज किया बना है आपको बताएं? पहला मैसेज क्या आया है कि पंडित जी भारद्वाज आश्रम के पीछे 21 मकान को तोड़ने का आदेश योगी सरकार ने दे दिया है। और वो 21 मकान हिंदू पंडो के है। मेरा मकान जा रहा है पंडित जी, अवैध होगा? अवैध नहीं है, लिखित में कागज पत्तर है, 400 साल पुराना है, दाखिल खारिज तक है। मम्मी डेंगू पॉजिटिव हो गए होने की वजह से प्लेटलेट गिरती जा रही है। और ये कौन है? ये है गीता विश्वकर्मा, महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष प्रयागराज। और वो सरकार से चीख नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब आज अंधभक्तों की आंखें खुल जानी चाहिए। दूसरे महत्वपूर्ण बात, गुजरात पे आते हैं, उस बिल्किन बानो का हाय है, इस सरकार को कोई बदनाम नहीं कर रहा है। आप बताइए दलित का रेप हो जाता है, मुख्यमंत्री जी डंका बजाते हैं, आज इनके अपने कार्यकर्ता इनसे बोल नहीं पा रहे हैं। क्या ये अंग्रेज शरण नहीं है? क्या इसे अंग्रेजी मुल्क ना कहा जाए? जो पहले पुलिस अपने लोगों को रख के हमके डंडा खिलवाती थी, आज ये पुलिस हमें मारती है, नहीं मारती है। हम किससे सवाल पूछे? प्रधानमंत्री जी आते हैं मन की बात करने, करोड़ रुपए खर्चा करके, अरे जनता खा रही है गोबर घास, बंद करो भैया मोदी जी मन की बात। अब तो फीमेल वर्जन भी आ रहा है, कंगना रनौत भी आ रही हैं। हम कह रहे हैं जितने भी पेपर एड वाले आते हैं भाजपा के, जला दो। जितने भी चैनल गोदी मीडिया मोदी मोदी करे हटा दो, बायकॉट करो, रिफाइंड अडानी के चीजों को खरीदना बहिष्कार करो, इनको आर्थिक रूप से तोड़ो। आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप बताइए हजारों लोगों के लिए आपके आत्मा से क्या निकल रहा होगा, क्या मातम होगा गुजरात में, जैसे अभी जहरीली शराब से हुआ था। शर्म है हमें इस देश में, हम किस पे भरोसा करें? अरे बंदे मातरम दिए हो,
पहिया तक दब गया, पहली बार हुआ कि पहिया पंचर हो गया। भाई चोसीती है तो मतलब बैठने में डर नहीं लगता है आप लोगों को? आज रेलवे असुरक्षित नहीं हो गई है, अब की बार बड़े बड़े चुनावों में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने वाले नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बच्चों को ऐसे करवा दिए थे, ऐसे रहते वो बेचारे, अगर ही गिर गए तब मोदी जी करो आगे ऐसे रोडों पे बेशर्मो। कहा था 50 दिन का टाइम दो, गली चौराहा बताओ हम आएंगे, कब आओगे? आओ उन माओ के पास जाओ, 1-1 करोड़ रुपया मृतक परिवारों को दिया जाना चाहिए, 1-1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी, इससे नीचे कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले मांग रखवाइए हमारी है, क्यों सवाल सुने आपका? हमारे यहाँ से लोग मर रहे हैं, आप सवाल सुना रही हैं मोदी जी कर रही हैं, वाह भाई वाह। 2 लाख की तो बोला है मोदी जी ने, 2 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए। गुजरात में जहाँ एक तरफ एक घटना, अरे मोदी जी फोटो भी तो खिंचा रहे हैं ठेकेदार के साथ, ओ बेटा ओ अब और लूट लो, अब और लूटो, मार डालो देश की जनता को। ये एक्ट ऑफ क्या एक्टर, क्या एक्टर, एक्ट ऑफ गॉड हुआ है या एक्ट ऑफ फ्रॉड हुआ है गुजरात में? ये फ्रॉड है, क्योंकि मोदी ही फ्रॉड है, फ्रॉड है कि पूछो, मैं बता रहा हूँ कुछ, देखो बता रहे हैं भाई ये बहनो, जब मैं गरीब आदमी को देखता हूँ तो मुझे चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठना पड़ता है। वंदे मातरम आई, वंदे मातरम का सफर करिए, हेलीकॉप्टर भूल जाएंगे, तुम क्यों 8,000 के प्लेन बैठे? नमामि गंगे भी दिया है। ओ माय गॉड, जब आपकी जाके देखिए मथुरा में ऐसे सफेद सफेद फरवाड़ नहा लिया करिए जाके ना, क्यों नहीं जाती नहाने? नलवा में आके नहा लीजिए या दिल्ली आके नहा लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। छपा हो गया पूरे हिंदू को मन नस नस कर दिया छठ पूजा में, पार्कों में तो आदमी ने गड्ढा खोद के बनाया है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए नमामि गंगा। 2014 में उमा भारती थी 4422 करोड़ रुपया, 4422 करोड़ रुपए पहली बार में लूट किया, क्या किया हट दिया, बस वो हट गई पैसा अंदर हो गया। गोवरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर तुमको कब्जा करना है तो 2 के पास में पूरा पैसा रख दो तुम, भाई सरकार जब चाहेगी अडानी अंबानी को गिरा देगी, इसीलिए आप चेक करवाइए अडानी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका लंदन दुबई कतर इन सब जगहों पे इनका बंगला तैयार हो चुका है, भागने की तैयारी है, बहल जाल है, भाग के जाएंगे जगह, एक जमाई एक नामी ट्यूब नहीं जाएगी, आधा जितनी जीडीपी है आधा कर्जा दिए हो और भाग गया आपके तो भाग, अच्छा आपको मिलेगा ऐड का पैसा तब भी आपका दुकान नहीं बंद होने वाली। लेकिन विजय साहब देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है वर्ल्ड में, तीसरे नंबर पे थी 14 के पहले, इधर भूल गए थे क्या? ओह पत्रकार महोदय 14 के पहले आप क्या थे? तीसरे नंबर पे थे, अरे आए थे बड़ी महंगाई की मार सिलेंडर लेके सारे लोग कपड़े उतार के भागते थे, पहले कच्छा पहनते थे, आज तो कच्छा भी उतर जाना चाहिए, आज तो कच्छा भी उतरना चाहिए। यही मीडिया दलाली के लिए, अरे अन्ना लाए हैं गन्ना खाते वो चूसते रहो, 8 साल से चुसा रहे हैं गन्ना, चूसते रहो गन्ना। और मैं कह रहा हूँ देखो, आज जब सोनिया गांधी थी 14 के पहले फूड पार्क बनवाने की बात की थी, फूड पार्क के अंदर में हमारे चिप्स लोकल आइटम बनाने की बात की थी, मोदी ने कहा नहीं 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 हम फूड कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। अब आज किसान धरने में बैठ गया, रोटी रोटी को मोहताज है, हम वो दृश्य देखे हैं पुल का टूटते हुए ना, हमारा कलेजा एकदम काब गया, हमें कहा सर लेकिन 80 करोड़ लोगों को तो ना अनाज दे रहे फ्री सरकार, अंग्रेज भी तो आए थे पहले फ्री खिला के मलाई बांट के चले गए, वही तो कर रहे हैं ये लोग। अच्छा ये बताओ, जैसे विदेशी को खिलाने के लिए देसी हिरन चाहिए, वैसे सरकार चलाने के लिए हम लोग चाहिए, उनके सामने उनको किया गया, हमारे सामने हमको किया गया। मैं आपको बता दूं, ये घटना कोई छोटी मोटी नहीं है, 1,500-2,000 लोग एक बार में मारे जा रहे हैं। प्रयागराज में पूर्व डिप्टी मेयर लल्लू लाल कुशवाहा का भतीजा, जिसके घर में योगी आदित्यनाथ भी गए हैं, मिठाई खाए हैं, उमा भारती का हेलीकॉप्टर उतरा है, और वो प्रयागराज में नाम है, ब्रांड है बैजनाथ कुशवाहा, विधायक रहा है जसरा का आज से 1968 में, सॉरी उन्हें आपका 82-83 में भाजपा के बनने के बाद ही वो विधायक बन गया था जनसंघ से। अब आज उसके यहाँ भी मातम है, और उस लोगों ने हमें फोन किया कि भैया
भाजपा के मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा है। केशव मौर्य दलाली क्या है विजय साहब, एक मिनट बता, हमारे पास फोन आया ना, दिखा दिया ना, सुन क्यों नहीं रहे हो? पैसा मिला है क्या? सुनो पहले, आप सुनिए, अगर आप डिप्टी मेयर का जब मामला हम बता रहे हैं तो वो जब हमें मैसेज कर रहे हैं मतलब वो डर चुके हैं अपने अपनी पार्टी से।